मॉर्निंग दोस्तों। तो भाई स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। मैं स्टेट में भाई उड़ीसा पहुंच गए थे भाई रात में, हम लगभग 3 बजे उड़ीसा का बॉर्डर पास किया था भाई सारे पल्ली। उसके बाद रुक गए थे भाई, फिर सुबह निकले क्योंकि तो बीच वाला रोड छोटा है भाई और माल भी महंगा वाला भरा है गाड़ी में, तो रुक गए थे भाई। सुबह दिन निकलने के बाद निकले उधर से, अभी है सोनपुर के पास, मतलब बीच वाले रोड से जा रहे भाई। टोल टैक्स नहीं लगता इधर से और जो मेन रोड है वो पूरा वैसे भी ख़राब है, तो इसी रोड से जाती है सब ट्रैफिक, तो इधर से जा रहे। पापा चला रहे भाई गाड़ी, आगे जाने के बाद ये बड़ा हो जाता है भाई रोड, मतलब डबल हो जाता है, 4 लाइन तो नहीं लगता इधर से। ये सीधा खुर्दा में ही निकलेंगे भाई रोड, चेन्नई कलकत्ता एक्सप्रेस रोड के ऊपर। रात में ही ख़त्म किया था और वही से अभी दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रहे, मतलब वो छत्तीसगढ़ में ख़त्म किया था और ये उड़ीसा से स्टार्ट कर रहे। दिखाएंगे आपको आगे, आज नाइट में पहुंच जाएंगे भाई हम अनलोडिंग पॉइंट के ऊपर, देखते हैं खाली कब होता है कब नहीं, दिखाएंगे आपको। भाई दोपहर के 12 बजे थे, पहुँचे थे भाई सोनपुर से, आगे रुके थे भाई थोड़े दिन टायर वेयर चेक करते भाई, अगर पंक्चर वंक्चर होंगे तो। और कुछ इस टाइप का रोड है भाई, डबल रोड गाड़ी पास होता है। झाड़ के नीचे गाड़ी खड़ा किया था भाई, टायर वेयर देख के निकल जाएंगे। यहाँ से अपने को लगभग 200 किलोमीटर जाना है भाई, शाम तक पहुँच जाएंगी गाड़ी, देखते आज शाम पल होता है कि नहीं होता, वहाँ पर जाने के बाद समझेगा। निकलते करता है अपना सफ़र फिर से शुरू। वही बारिश स्टार्ट हो गई, ऊपर बादल दिख रहे पूरे पहाड़ों में, ये पूरा जंगल का एरिया है भाई बीच वाला 200 किलोमीटर का जो भुवनेश्वर जाने में पड़ता है। ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं चलते भाई इस रोड के ऊपर, इसलिए दिन दिन का ही निकलना पड़ता है इस रोड से। आगे आने के बाद हो गया भाई प्रॉब्लम, हमारा टायर खराब हो गया भाई, एक इसी को खोल रहे हैं, हो जाएंगे 10-15 मिनट में क्लियर, फिर निकलेंगे। और हमारी भी हालत ख़राब हो गई, टायर वेयर फिट करते भाई उसके बाद निकलते यहाँ से। भाई शाम के 7 बज रहे, पहुंच गए भाई ब्रिटानिया कंपनी, आगे कंपनी भाई लाइन में खड़े है, पूरी गाड़ियां खड़ी भाई इधर, देखते हैं सुबह कितने बजे तक आता है नंबर। खाना खा रहे भाई, पार्सल लाए थे बिरयानी, खाना भी ना खाते भाई उसके बाद मिलते हैं आपसे। सुबह के 9 बज रहे, पहुंच गए भाई कंपनी के अंदर, ले लिया है सैंपल वैम्पल होगा भाई, अभी देखते हैं सैंपल विम्पल करते उसके बाद दिखाते हैं अनलोडिंग कहाँ होगा, यहाँ पे होगा कि यहाँ से भी बाहर जाना पड़ेगा। भाई अभी बज रहे 12, सैंपल निकाल के दिया भाई गाड़ी में से 20 बैग, और भाई यहाँ पे सैंपल देने के बाद 6 से 7 घंटा रुकना पड़ता है भाई सैंपल के लिए। और ये बता रहे भाई कि गाड़ी इधर नहीं खड़ी होगा, यहाँ से 60 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा कटक। अभी देखते हैं, सैंपल खोल के तो दे दिया भाई, इधर साइड में खड़ा किया है गाड़ी, शाम में समझेंगे 5 बजे अपना सैंपल का रिपोर्ट। खाना भी ना खा के आते भाई बाहर से,
उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो भाई शैंपल अपना हो गया है शाम के 5:30 बजे फाइनल। गाड़ी अनलोडिंग होगा लेकिन भाई अपने को जाना पड़ेगा कंपनी से 60 किलोमीटर आगे। ये हमको पता नहीं था भाई, हमने लोडिंग करके फंस गए ये लोडिंग के अंदर। अभी जाएंगे भाई आगे मतलब कटक 60 किलोमीटर, उधर जाके अनलोडिंग होगा भाई गाड़ी, वो भी अभी कल मॉर्निंग में अनलोडिंग होगा। एक दिन हमारा चलेगा भाई इसके अंदर ही। जा रहे भाई अभी गोदाम, देखते वहाँ जाके क्या दिक्कत आती है। तो भाई ऐसे गली में गाड़ी घुसाना पड़ रहा है हमको, लोग को बात नहीं काम आएगा भाई। रात के 12 बज रहे, गाड़ी तो अपना नहीं घुसा भाई उधर, क्योंकि भाई गली इतना तंग है उधर, क्या गाड़ी अंदर नहीं जा रहा है। गाड़ी रिवर्स लाया भाई, सर्विस रोड के ऊपर खड़ा किया है, मुँह हाथ धो के भी कपड़े चेंज किया भाई, पूरी हालत ख़राब हो गई थी भाई उधर। गाड़ी तो बड़ी मुश्किल से भाई कैसे भी रिटर्न निकाल लिए उधर से। अभी बता रहे भाई के रोड के ऊपर लगा के क्रॉसिंग करेंगे भाई गाड़ी, हमारी भी हालत ख़राब हो गई भाई उसके अंदर। अभी देखते भाई कल क्या होता है, कल तो 15 अगस्त है भाई, मुश्किल है कल अनलोडिंग होना गाड़ी, शायद नहीं भी होगा गाड़ी। आपको सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे भाई, तब अभी गाड़ी अनलोडिंग होगा तब आपको भी बोर नहीं करेंगे भाई बार बार दिखा कि ये हुआ वो हुआ। देखते कल अगर अनलोडिंग होता है तो कल आपको दिखाएंगे, अगर नहीं होता है तो भाई सीधा आपको जब अनलोडिंग होगा तभी दिखाएंगे, क्योंकि मेरे को तो नहीं लग रहा भाई 1-2 दिन होगा, क्योंकि क्रॉसिंग करना है भाई, छोटा गाड़ी है इनके पास, 60-70 बैग ऐसे लेके आएंगे भाई ये फुल स्टोर में भाई। अभी करते हैं आराम, खाना भी ना बनाया था भाई, कोई अभी गरम करेंगे, सब्जी रोटी बनाया था भाई, कोई खाते भाई। और भाई आज का ब्लॉग करते इधर ही ख़त्म, ब्लॉग छोटा ही हुआ है भाई। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और पहले जैसे सपोर्ट करना भाई, ऐसे डेली ब्लॉग मिलेंगे आपको। यहाँ से आगे दिखाएंगे आपको लोडिंग वेडिंग का सिस्टम क्या है हमारा। मिलते भाई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।